अगर आप भी ऐसी वायरल 3D इमेजेस बनाना चाहते हो अपने लिए और अपनों के लिए तो इस वीडियो को पूरी देख लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट एंड वो लिंक जिससे आप भी ऐसी अमेजिंग वायरल इमेजेस को बना सकते हो एंड आपको अब किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं होगी। आपको सिर्फ लिंक। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि ऐसी एडिटिंग आप काइन मास्टर से कैसे कर सकते हो। आज की डेट में आपको भी पता है शॉर्ट कंटेंट बहुत चल रहा है, चाहे वो हम यूट्यूब शॉर्ट्स हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स हो, लेकिन इस शॉर्ट में भी लोग अपने एडिटिंग से कमाल करके अपने कंटेंट को इतना जानदार बना दे रहे हैं कि हर कोई उसको देखना पसंद कर रहा है, चाहे उसको उससे मतलब है या फिर नहीं है। वो अगर उसको एडिटिंग भी अच्छी लगती है तो वो भी आपको कंटेंट देखता है, जिससे कि आपकी वीडियो वायरल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। लेकिन ऐसी एडिटिंग ऑफन लोग प्रीमियर प्रो में करते हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप काइन मास्टर से ऐसी एडिटिंग कैसे कर सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज रोहित रावत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ rawatnews.com। इसके अलावा वी रन अ स्मॉल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जहां पे हम लोगों को सर्विसेज देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव अ स्मॉल कम्युनिटी फॉर काइन मास्टर एंथुजियास्टिक पीपल लाइक यू। तो अगर आप काइन मास्टर की कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो जो कि फ्री में है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप वहाँ पर अपना बिहेवियर सही रखो, खराब बिहेवियर ना रखो, अदरवाइज यू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रुप। एंड एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी एसेट्स या फिर हम साउंड इफेक्ट को यूज करने वाले हैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर लेना। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आप सबको बता दूं यार, बहुत से लोग मेरे को भाई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई इसमें जो की फ्रेम है या चाबी वाला ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है, तो उसको एक बार बता दो। देखो ये की फ्रेम वाला ऑप्शन वहीं पे तो है, अभी ये जैसे है फर्स्ट लेयर में आ रखा है, इसको थोड़ा बीच में ले आओ, ये प्लस का आइकन बन गया, इसे प्लस में क्लिक कर दो, फिर आगे लेके आओ अपने की फ्रेम जैसे लगाना है वो लगा दो, फिर आगे लेके आओ एक और की फ्रेम लगा दो, फिर आगे लेके आओ एक और की फ्रेम लगा दो, एंड अपनी वीडियो प्ले करके देखो आप लग गया ना यार की फ्रेम। तो बहुत से लोग बोल रहे थे ये की फ्रेम काम नहीं कर रहा है। हाँ, अपडेट आया था इसके बाद, इसका साइज अलग हो गया है, बट काम वो कर रहा है। इसमें अब आपको डबल प्लस करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप प्लस करोगे समझो वहाँ पे की फ्रेम ऑटोमेटिकली लग गया है। तो देखो ये है हमारी वो वीडियो जिसका हम आज ऑपरेशन करने वाले हैं और काइन मास्टर से सब कुछ सीखने वाले हैं। तो मैंने इसमें बीच बीच में कट लगा दिए जहाँ जहाँ पे जरूरत है, जहाँ जहाँ पे मैंने कोई चीज़ यूज़ करी है। एक्चुअली मैं ना इसका मेन पार्ट जो मैंने जहाँ से एडिट करी थी वो पार्ट मैंने काट दिया, गलती से डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं अपने उसमें नहीं रखता स्टोरेज की वजह से। बट मैं आपको बताऊँगा कि इसको मैंने कैसे एडिट किया था और कहाँ कहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ ऐड करी थी, जो आप भी ऐड कर सकते हो। देखो जहाँ जहाँ पे मेरे को वीडियो चाहिए थी मैंने वहाँ पे कट लगा दिया, जहाँ जहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ वहाँ पे कट लगा दिया है, क्योंकि जो एक्चुअल वीडियो थी मैंने वो गलती से डिलीट कर दी। तो अगर वो होती तो मैं आपको पूरा दिखा पाता कहाँ पे क्या यूज़ किया, लेकिन फिर मैं आपके लिए इसके ऊपर दोबारा से ऐड करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी एडिट कर सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो काइन मास्टर यूज़ करते हैं लेकिन प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर उनको नहीं पता कुछ चीज़ें कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को ऑलरेडी आता है तो प्लीज़ आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं बनता, ठीक है। मेरी टारगेट ऑडियंस वो है जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं काइन मास्टर में उनको प्रोफेशनल लेवल तक सिखा पाऊँ। और 2024 में इसी एम के साथ चल रहा हूँ कि 2024 में सबको मैं अच्छे से काइन मास्टर सिखा दूँ, जो जो मेरी ऑडियंस है एंड जो मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से आपको पूछना चाहता हूँ, इन तीन ऑप्शन में आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है एडिटिंग करने का? एक तो आप सबको पता है ये वाला तरीका है, एक ये वाला तरीका है कि रील वाले के लिए ऐसे रहे कि पूरी रील यहाँ पे आ जाती है और आपको यहाँ से एडिट करना होता है, और एक और तरीका है वो ये वाला। तो आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है कॉमेंट में यार ज़रूर बताएं, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड वाला, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाला बेटर लगता है, क्योंकि पहले से यही है तो मैं इस पर ही काम करता हूँ। आपको जो ठीक लगे आप मेरे को कमेंट में बताना और वैसी एडिटिंग में करना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि वीडियो में एक जूम लगा हुआ है, जैसे मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे एक जूम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जूम कैसे लगाना है, एक इफेक्ट है जिसका मैं आपको नाम भी दे दूंगा, ये रहा वो जूम वाला इफेक्ट, इसका नाम है जूम। आप इफेक्ट में जाके इसको डाउनलोड करना और इसका आप सिर्फ फर्स्ट वाला ट्राई करना या फिर आप इसका ट्राई करना सिक्स्थ वाला, और इसको पूरे उसमें फैला देना दोनों फिंगर से, ठीक है। और जैसे आप फैलाओगे आप देखोगे कि ये पीछे पीछे आ रहा है और ये पीछे पीछे आके, ठीक है, वैसी हमारी वीडियो हो जा रही है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे यहाँ से, आपको पता ही होगा सही छोटा करना होता है, और बस हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक हमारा यहाँ पे काम हो चुका है जो हमने पहले जूम लेके आना था। इसके साथ में हूज़ वाला साउंड डालना है, तो मैंने आपको साउंड नीचे प्रोवाइड कर रखा है, लिंक में जाना सिर्फ उसको लेके आना, और मैं साउंड ऐड कर लेता हूँ फटाक से। तो मैंने साउंड ऐड कर लिया, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे साउंड नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ माइक, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे साउंड लगा दिया हूज़ वाला, ऐसा आपको लगे ताकि मैंने इसलिए यूज़ कर लिया, अदरवाइज ये साउंड वाला हूज़ वाला साउंड नहीं है, इसका नाम कुछ और है, बट इसका माइंड मत करना, आप सिर्फ ध्यान दो कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एक थंबनेल वाला ऑप्शन है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना होता है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना है, वो थंबनेल बन जाएगा आपका, एंड आप उसमें देख सकते हो कि आप इसके ऊपर काम कर रहे हो वीडियो को वहाँ पे थंबनेल लाके एक साथ, जैसे यूट्यूब में होता है नॉर्मल, ठीक है। अगर आप ऐसी वायरल, अब आता है देखो दूसरा टिप, जहाँ पे आप देखोगे कि फोटो आ रही है खट 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 साउंड के साथ, और इसके साथ पीछे आप देखोगे कि विजुअल्स भी आ रहा है एक अच्छा सा, तो यहाँ पे एक टिप है आपके लिए। देखो टिप है, तीन टिप है, कि पहला अपनी वीडियो में आप जो बोल रहे हो ना नॉर्मल जो वन होता है, यहाँ पे आप देखोगे स्पीड में जाकर के ये वन पे है, इसको 1:1 के आसपास कर दो, इससे आपकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, आपने जो वीडियोस में विजुअल्स यूज़ किए हैं ना, या फिर जो भी एनिमेशन आप वीडियोस यूज़ करो, फोटोज़ यूज़ करो, उनको खाली खाली मत यूज़ करो, उनमें ना एनिमेशन लगाओ, मैं बताऊँगा आगे।
एंड थर्ड, आपने जो आप जो बोल रहे हो ना उसकी भी थोड़ी स्पीड तेज करो। और एक और एडिशनल मैं आपको टिप देता हूँ, आप जो म्यूजिक यूज़ करोगे बैकग्राउंड म्यूजिक, जो कि कॉपरेट फ्री होना चाहिए या फिर ऐसा म्यूजिक होना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंटल हो बजाय किसी सॉन्ग के, ठीक है, उसको भी आप क्या करो फास्ट फॉरवर्ड कर दो। इससे आपकी वीडियो जब प्ले होगी ना तो हमारा माइंडसेट ऐसा काम करता है कि हमारी जो वीडियो है या जो भी चीज़ प्ले हो रही है वो फास्ट फॉरवर्ड बोल रहा है, यानी कि कंटेंट बस थोड़ी देर में ही खत्म होने वाला है। और आपको अपने व्यूअर को यही देना है कि वो उसको लगे कि हाँ भाई कंटेंट जल्दी खत्म होने वाला है, तो जिस हिसाब से उसको लगेगा वो हिसाब से आपकी वीडियो बना रहेगा। अगर वीडियो बहुत बोरिंग हो, बहुत स्लो चल रही हो ना, तो उसको पसंद भी नहीं आएगी, फिर उसको लेफ्ट करके चले जाएगा। तो एक और यहाँ पे विजुअल है, इसकी मैं लिंक दे दूंगा, वैसे मैंने दूसरा यूज़ कर रखा है लेकिन मैं उसकी भी लिंक दूंगा, इसकी भी दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कैसे ऐड किया था, तो इसको हमने पूरे उसमें फैला दिया, ठीक है, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला विजुअल भी अच्छा लगता है। एंड यहाँ तक है तो इसको यहाँ तक लगाया, इसके बाद मैंने यहाँ पे कट कर दिया एक सीजर से, ठीक है। इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि इमेजेस आ रही हैं, खट 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 इमेजेस आ रही हैं। इमेजेस लगाना बहुत सिंपल है, मैं लगा देता हूँ पहले। तो जैसे आप इमेजेस देख रहे हो ना, एग्जांपल के लिए मैं ये वाइट लगा रखी है, ठीक है। एक प्रो टिप है आप लोगों के लिए, आप क्या क्या करो, यहीं पर कट किया करो और जैसे कटो यहाँ से जा करके इसी को सेलेक्ट करके रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रिप्लेस कर दिया करो, बजाय एक नया इमेज ऐड करने के। बहुत से लोग क्या करते हैं, नया इमेज ऐड करते हैं, देन वो करते हैं। तो आप देखोगे जैसे कि मैंने इसमें लगा दी, एग्जांपल के लिए मैंने वाइट पेज वाला लगा रखा है। एग्जैक्ट इमेज आपको यूज़ करनी है अपनी वीडियोस में, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और मान लेते हैं मैंने इतनी सारी इमेज लगा दी है। अब देखो एक और टिप है आपके लिए कि वीडियो एडिटिंग में ना साउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे आप नॉर्मल एडिटिंग करो या प्रो लेवल की एडिटिंग करो, लेकिन साउंड्स अच्छा हो, परफेक्ट हो, रिलेवेंट हो तो ही अच्छा है। तो इसके लिए हम साउंड करेंगे टिक वाला, या फिर जो मैं आपको नीचे दूंगा आप उसको यूज़ करना उसमें से, जो मैं भी यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं लगा लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे साउंड लगा दिया है, ये दूसरा वाला साउंड है जो मेरी वीडियो में एक्चुअल प्ले हो रहा है, उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको वही साउंड दूंगा जो प्ले हो रहा है, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लगा रहा हूँ। और एक और प्रो टिप दूँ आपको, जब भी आपको देखने को मिले ना कि नीचे हमारा साउंड आ जाता है, हमें फिर ऊपर करना होता है, फिर ऊपर वाले को देखना पड़ता है, एक ही स्क्रीन में देखना है, तो इस वाले को यूज़ करो, आपको दिख जाएगा। ये जो ऑप्शन मैंने दबाया इसमें आपको देखो साथ साथ दिख जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ साउंड, तो फिर मैं इसके पीछे लगा दूंगा, फिर इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे अपने उसको लेके आऊँगा जो हमारी डेडलाइन होती है, फिर एक हम साउंड लगा देंगे इस हिसाब से। तो यहाँ से आपको दो पूरा बड़ा व्यू देखने को मिलेगा, और बड़े व्यू में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है एग्जैक्ट हम साउंड जो इफेक्ट लगा रहे हैं वो कहाँ पर लगा रहे हैं। तो हमेशा साउंड इफेक्ट आपको पता होगा वीडियो के या फिर इमेज के, हमेशा तो इन में लगता है या फिर उसके आउट में लगता है, यानी कि आप इन हो गया और ये फिर आउट हो गया, तो जो आपको परफेक्ट लगे उसमें आपको लगाना है। मैं सब में साउंड नहीं लगा रहा बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो को जितना छोटा रखा जाए, जितना आपको अच्छे समझाया जाए वो सही रहता है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट कवर हो गया। यदि इमेजेस बनाना चाहते हो अपने लिए और अपनों के लिए, अब मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूँ इसी चीज़ में, कि जैसे कि आप वीडियो को देख रहे हो ना, ये प्ले हो रही है, तो इसमें आपको एनिमेशन दिख रहा होगा कि ये मूव कर रहे हैं इधर से उधर, यानी कि इसमें थोड़ा सा बोल सकते हो कि यू नो मूवमेंट हो रही है। अगर मैं इसको सिर्फ नॉर्मल रखता तो ये स्टिक होता है एक ही जगह में इमेज जो आप इसमें देख रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफेक्ट मैं आपको नाम दूंगा, आपको डाउनलोड करना है काइन मास्टर की लाइब्रेरी से। देखो मैंने अपनी वेबसाइट का लोगो लगा दिया, इसके ऊपर मैं वो वाला इफेक्ट लगाता हूँ जो मैं आपको बताया था शेक वाला। तो सिंपली जाऊंगा इफेक्ट में और शेक वाला, इसका नाम है शेक इफेक्ट, आप इसको डाउनलोड कर लेना काइन मास्टर की लाइब्रेरी से। और इसमें आपको थर्ड वाला यूज़ करना है या फिर सेकंड वाला यूज़ करना है, यही दोनों अच्छे, बाकी अच्छे नहीं है। तो थर्ड वाले में जाऊँगा और इसको मैं जितना चाहे लेंथ उसकी बड़ा कर दूंगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ तक उसको बड़ा किया था, अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, देखो शेक हो रहा है ना। और इसके आप जो है मूवमेंट को भी मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो जिस हिसाब से होगा। आपको इफेक्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आना है और इसको आपको इधर के लिए करना है। तो इधर के लिए करोगे तो उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है। और अगर मैं इतना कर देता हूँ तो ये बहुत जल्दी जाएगा देखो, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। और एक और प्रो टिप दूँ आपको, टिप मैं बहुत देता हूँ यार, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है आपकी जो लेयर है, और ओवरऑल एनिमेशन पर चले जाना है। और यहाँ पर आपको ये दो मिलेंगे, एक है फ्लोटिंग का और एक मिलेगा ड्रिफ्टिंग का। तो मुझे वैसे पर्सनली बहुत अच्छे नहीं लगते लेकिन मैं यूज़ करता हूँ दोनों को, और ये ड्रिफ्टिंग वाला कुछ खास नहीं लेकिन फ्लोटिंग वाला अच्छा है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। एज यू कैन सी काफ़ी तेज़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो मैंने आपको इफेक्ट का नाम बताया था ना शेक वाला, उसे डाउनलोड कर लेना। इससे क्या होगा, मैंने आपको अगेन बताया कि एनिमेशन आपकी वीडियोज़ में होना चाहिए अगर आपको अपनी वीडियोज़ को इंगेजिंग बनाना है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो मैंने किया हुआ है ना, ये मैंने वही वाला इफेक्ट यूज़ किया है जिससे कि हमारी थोड़ी बहुत शेक हो रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ भी जो भी काइन मास्टर यूज़ करते हैं और उनको भी एडिटिंग करनी है आपकी तरह धांसू वाली। देखो मेरा स्टाइल ना थोड़ा अलग है वीडियो एडिटिंग सिखाने का, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी जब देता हूँ लोगों को लाइव पढ़ाता हूँ, तो मैं उनको हमेशा प्रोजेक्ट जो मैंने ऑलरेडी एडिट किया उसको सिखाता हूँ बजाय न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि जब मैं नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें कुछ चीज़ सिखाऊंगा तो वो कम उनके दिमाग में घुसेगी, राधर देन अगर मैंने किसी एग्जाम्पल को लेकर उनको दिखा दिया और बोल भी रहा हूँ वो चीज़ उसमें लाइव दिख रही है तो मज़ा ही कुछ और है। तो मैं आपको वही चीज़ यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी एड कर दी है, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे वो चीज़ कैसे काम करती है।
और वीडियो बहुत लंबी होगी आई नो, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप इसको पूरी देखते हो आपको बहुत ही इनसाइट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो आपको काम आएगी काइन मास्टर में। और इसके बाहर भी अगर आप एक एडिटर हो या फिर कोई भी एडिटिंग यूज़ करते हो अपनी वीडियोस को एंगेजिंग कैसे बनाना है उस चीज़ के लिए। अब आपको पता ही है कि कभी भी दो वीडियोज जब कट होती हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ लगता है, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ये देखो यहाँ पे ट्रांजिशन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है, वाइट वाला, और उसके साथ आपको एक साउंड मिल रहा है होज, तो ये वाला साउंड इफेक्ट मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो यहाँ के लिए हम कौन से यूज़ करेंगे ट्रांजिशन, उसका नाम भी आपको दे दूंगा। देखो वैसे बहुत सारे हैं, एक है फ्लैश ट्रांजिशन है और सनसेट है, तो ये दोनों बहुत अच्छे हैं, पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सनसेट ग्लिंट वाला ये जो है और एक फ्लैश ट्रांजिशन है। तो आपको इनका नाम लिखना है, लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाइट के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा फोर्थ वाला यूज़ करो, बहुत अच्छा है। देखो प्ले करके दिखाता हूँ फोर्थ वाला, और उसमें आपको होज वाला साउंड डाल देना है, बस इतना काम करना है, परफेक्ट। और आप लोगों के लिए इस वीडियो को पूरी देख लो। और एक और प्रोटीन आपको देता हूँ, जब भी आप साउंड इफेक्ट यूज़ करते हो ना तो उसकी साउंड जो है कभी कभार ज़्यादा होती है, तो उसको कम कर लिया करो अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन की जो इतनी हिसाब से मूवमेंट है या जितनी हिसाब से स्पीड है। ऐसा नहीं कि आपने इरेलीवेंट कर दिया उसको, मतलब जो मिल ही नहीं रहा तो फायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये वाला, जिसमें कुछ खास नहीं है। यहाँ पे देखो एक ग्लिच आया, ये वाला ग्लिच, ठीक है, उसके साथ एक साउंड इफेक्ट आया, वो मैं आपको दे दूंगा। और एक आपको दिख रहा होगा पीछे वाला बैकग्राउंड, ये ब्लू कलर का लाइनिंग वाला, ये बहुत पॉपुलर है आज की डेट में, सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अपने रील्स में, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा यानी कि बहुत तगड़ा लगता है बोल सकते हो। तो मैं इसकी भी लिंक आपको डायरेक्टली दे दूंगा। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ यार कि ना आज डेट में सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है ना, इसने लोगों की आदत ख़राब कर दी है फ्री में सब कुछ दे करके। लोगों को फ्री में मतलब क्रिएटर लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं वैल्यू लेके चले जा रहे हैं, लाइक कोई करता ही नहीं यार, शेयर कोई करता ही नहीं, इवन सब्सक्राइब भी नहीं करते, जबकि उनके कुछ जाता ही नहीं है उसमें। तो आप मेरी अगर प्यारी ऑडियंस हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो जितना हो सके, जल्द से जल्द हमारी 2000 की फैमिली हो जाएगी, उसके बाद बड़ा टारगेट है 10,000 वाला, वो भी हो जाएगा, और फिर आप लोग साथ रहो तो 1,00,000 भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और अनसब्सक्राइब करके मत जाया करो, क्योंकि फ्री में अगर सब कुछ देखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब करने में तो कुछ भी नहीं जा रहा, वो भी फ्री है, वो भी करो। यहाँ पे इफेक्ट यूज़ किया है काइन मास्टर में, वो नहीं मिलेगा, बाहर से लाना पड़ेगा, मैं आपको उसके लिंक भी दे दूँगा। ये वाला है वो वाला जो मैंने इसमें यूज़ किया था, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे लिंक, जो वहीं से आप डाउनलोड करना, पूरे पैक से सारे मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ दो चीज़ों के लिए, जब भी आपको कोई ऐसी फोटो इमेज या वीडियो देखने को मिलती है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है, तो आपको हमेशा एक ऑप्शन यूज़ करना है ब्लाइंड वाला, यहाँ पे आपको देखा हूँ, तो आपको हमेशा एक ऑप्शन यूज़ करना है जिसका नाम है ब्लेंडिंग, आपको यहीं पर मिल जाएगा, और इसमें आपको स्क्रीन वाला ऑप्शन यूज़ करना है, इससे क्या होगा जो ऊपर वाली चीज़ है ना वो आ जाएगी और जो ब्लैक कलर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया था, इसको मैं हटा दूंगा। दूसरा, जब भी कोई फोटो वीडियो ऐसी है जो ग्रीन है तो आपको उसको क्या करना है, ग्रीन वाली फोटो को या वीडियो को ग्रीन बैकग्राउंड से यानी कि जो हमारा क्रोमा की है उससे रिमूव करना है। यहाँ पर मैंने जो साउंड इफेक्ट यूज़ किया है, मैं अगेन उसकी लिंक आपको दे दूंगा, आप उसको सुन करके अपने हिसाब से लगा लेना। तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये लगा देता हूँ, ठीक है, आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जैक्टली वो वाला साउंड नहीं है बट फिर भी आपको एग्जाम्पल देने के लिए, तो ये हमने यहाँ पे प्ले किया, ये साउंड यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो साउंड इफेक्ट हमेशा आपको एग्जैक्ट उसी टाइम पे लगाना है जिस टाइम पे आपने बोला है कुछ, या कोई इफेक्ट आप दिखा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़ हो रही है। ये प्रो लेवल की बातें हैं, आई होप आप समझ रहे होंगे, अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो मैं आपके लिए बिगिनर गाइड वाली वीडियो लेके आऊँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जो चीज़ सीखोगे वो भी आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है, क्योंकि मैं बेसिक बात करूँगा प्रो भी बात करूँगा। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो कि है प्रॉम्प्ट और लिंक, और उसके पीछे ब्लू बैकग्राउंड, तो पहले ऐड कर लेते हैं फिर इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ऐड करी है जो ब्लू वाली है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, मतलब वही उसी पैक में। और इसके बाद प्रॉम्प्ट आपने लिख लिया, लिंक मैंने लिख लिया, ठीक है। तो आपको रिकमेंड करता हूँ, आप टेक्स्ट रिकमेंड करता हूँ जो सबसे बढ़िया होगा, आपको डाउनलोड करना है पैक से, तो आपको चले जाना है, मैं आपको नाम बताता हूँ। ये है देखो फॉन्ट देवनागरी में, और देवनागरी में है ये वाला, स्पेशली ये वाला, देखिए मैंने इसको स्टार भी कर दिया है, ये वाला जो खन बोल्ड करके है, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ से पैक से, आपको सिर्फ आप लिखना देवनागरी और यही वाला पूरा पैक जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। बाकी मैं टेक्स्ट में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये आपकी चॉइस है जो आपको यूज़ करना है। बात होगी यहाँ पे जो आपने ग्लिच वाला इफेक्ट यूज़ किया था, देखो इसके लिए अगेन आपको जाना है इफेक्ट में, और इफेक्ट में आपको डाउनलोड करना है ये वाला, ये जो है क्रोमेटिक ग्लिच, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे पूरा लगा देता हूँ पहले, अब जहाँ जहाँ पे नीड है तो ये आपको सेट कर लेना है, ठीक है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो नीचे वाले ऑप्शन से, और जो आपको ठीक लगे प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी डायरेक्शन वगैरह को भी चेंज कर सकते हो, क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हो, और स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, देख सकते हो कि रियलिस्टिक लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। हल्का सा यूज़ किया, फिर हमें इसको यहाँ से काट देना है, और फिर हम इसके बाद लिंक वाले पे यूज़ कर लेंगे इसको डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से, और ये हमारा फाइनल आउटपुट हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा दिखा रहा हूँ कि मैंने किया कैसे, बाकी परफेक्शन लाना आपका काम है, आपके हाथ में है, है ना, सारी चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, करके भी नहीं दे सकता। एंड मैं आपको देने वाला हूँ डायरेक्ट प्रॉम्प्ट एंड वो लिंक, जिससे आप भी ऐसे
ये वाला पार्ट भी हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगेन वही हो चुका है जो मैंने आपको जस्ट बताया कि ये इफेक्ट आ गए और उसमें टक टक करके साउंड आ रहा है, और ये भी जूम इन कैसे हो रहा है, अगेन इफेक्ट में गए थे हम और हमने वाला यूज़ किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये वाला लग चुका है, ये वाला इफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला आपको पैक में मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आपको उसको पूरा बड़ा कर लेना है, ठीक है, रोटेट करके। और अगेन हम जाएंगे इसके बाद कहाँ पे, ब्लेंडिंग में जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हम ब्लैक वाले को कवर करने के लिए ब्लेंडिंग यूज़ करते हैं, और स्क्रीन पर चल जाएंगे, ठीक है, ये अपने आप स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और यहाँ पे हम एक साउंड इफेक्ट यूज़ करेंगे जिसका मैंने आपको लिंक पैक में दे रखा है, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देना, ठीक है। साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं ये आपको आता ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, और अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे भी देखो एनिमेशन आ रखा है, मूव हो रहा है, ऐसी अमेजिंग वायरल इमेज को बना सकते हो, एंड आपको आप किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं होगी। अब इसके बाद आता है ये वाला जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक अब उसको क्रॉप करके लगा दी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो, तो जल्दी से आपके लिए करके देखता हूँ फिर बताता हूँ आपको कैसे मैंने ये किया। देखो बहुत ही सिंपल है, आपको इसके ऊपर क्या करना है, एक जो मैंने आपको लिंक में दे रखा है पैक में ना, वो वाली वीडियो ये है ब्लू वाली, और इसके बाद एक वीडियो है जिसको मैंने क्रॉप कर लिया, क्योंकि क्रॉप करना बहुत ज़रूरी है, इसमें परसेंटेज आता है और जिनके बटन ऑन होंगे तो बटन वाले आ जाते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। और इसके बाद मैंने कौन सा इफेक्ट यूज़ किया, अगेन मैं आपको बताऊँगा, शेक वाला, ठीक है। और शेक वाला अगर आप ना करना चाहते हो तो आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, वो है ओवरऑल एनिमेशन में फ्लोटिंग वाला या फिर ड्रिफ्टिंग वाला। तो फ्लोटिंग अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू ड्रिफ्टिंग, या फिर मुझे ड्रिफ्टिंग भी अच्छा लगता है, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करना है यार। तो ये वाला भी हमारा हो गया, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे हुज़ वाला साउंड लग गया और वो वाला इफेक्ट लग गया जो मैंने आपको बताया, ये अगेन एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है जो फ्लोट हो रही है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो उससे लॉगिन कर लो, नहीं तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो, एंड वो प्रॉब्लम मैं आपको दूंगा उसको यहाँ पे पेस्ट कर लो। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि हल्का सा ब्लर हुआ और इसके बाद एक फोटो आ चुकी है। तो ब्लर का तो यार बहुत सिंपल ऑप्शन है, इफेक्ट में जाओ, ऑटोमेटिक आपके पास ब्लर वाला मिलेगा, तो इसको करो और उसकी यू नो इसको थोड़ा छोटा कर लो और आउट एनिमेशन दे दो एक फेड वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला अगेन जो मैंने आपको भी बताया, छोटा सा वाला जिसको हमने ब्लैक करके ब्लेंडिंग में उसका यू नो स्क्रीन करके गायब किया था, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद ये हो गया, और यहाँ पर अगेन हमने हुज़ वाला साउंड दे रखा है और वो वाला कर रखा है। अब ये बहुत चैलेंजिंग है, वी वॉन्ट लिंक, ये इस तरीके से कैसे लिखना है, क्योंकि जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ना काइन मास्टर में, पहले आपको काइन मास्टर का दिखाता हूँ वो कैसा है। फॉन्ट भी आपको दिखा देता हूँ, फॉन्ट ये वाला है जो मैंने आपको जिसमें बताया था खंड बोल्ट करके, देवनागरी वाला पैक आप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको नीचे चल के मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला यूज़ कर दिया यहाँ पे, फॉन्ट बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला। अब इसमें आपको जो इफेक्ट देखने को मिलता है ना लाइन वाला, कुछ इस तरीके से नहीं मिलता है। मैं यहाँ पर जाऊँगा एनिमेशन पर और यहाँ पर लगाऊंगा लेटर बाई लेटर वाला, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, बहुत बेकार लगता है। लेकिन इसका भी एक तोड़ है, आप क्या करो थोड़ा नीचे आओ और टेक्स्ट ऑप्शन में जा करके ये जो आपको ऊपर वाला दिख रहा है इसका ये वाला सेलेक्ट कर लो। अब देखो इसका टेक्स्ट लिखना कैसा तरीका रहा है, देखो अब अच्छा लग रहा है ना एज़ कम्पेयर टू पहले वाले के। अब यहाँ पे भी एक टिप दूंगा आपको कि जो नीचे वाले में आप देखोगे ना उसके साथ एक लाइन भी लिख के आ रही है आगे तरफ में, ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो इसको करने के लिए आपको की फ्रेम लगाना पड़ेगा या फिर एक बाहर से प्रोजेक्ट लाके कहीं से करना पड़ेगा जो मैं करता हूँ कैनवा से। तो आप लोगों के पास शायद कैनवा नहीं होगा तो आपको यहीं पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे हैंड राइटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक ये वाइट लाइन को, इसको कलर वाइट कर दो, ठीक है, और साइज़ थोड़ा सा बोल्ड कर दो और एक लाइन खींच दो ऐसी समथिंग लाइक दैट। अब इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दो और अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको छोटा कर लो जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट लगाना है, ठीक है। सो ये वाली लाइन आपको यूज़ करनी है ऐसे, ठीक है, और उसके बाद की फ्रेम लगाना है इस पर, जिसमें मैंने की फ्रेम एक लगा दिया, अब थोड़ा सा आ गया है, अब ये टेक्स्ट आगे नहीं आया तो ठीक है, जब टेक्स्ट आ जाएगा तो हम लगा देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और फिर यहाँ पे आ गया, नहीं दिखे क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा ना, तो नीचे आप देख लेना, यहाँ पे देखो दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन दबा के फिर आ गया, थोड़ा सा लगा दो, नहीं हुआ तो रहने दो साले को, नीचे आके देख लो, हाँ हमारा टेक्स्ट दब रहा है तो थोड़ा आगे कर लो और फिर देखो, ठीक है, और फिर देखो आप इसे आ गया, ठीक है, और अब देखते हैं लिंक के ऊपर आ गया, डन। अब मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ कैसा हो रहा है, ठीक है, बन गया, काफ़ी फास्ट में बनाया, तो बहुत अच्छा नहीं बना बट ऐसे ही करते हैं जो लोग जुगाड़ करते हैं। तो वीडियो का ये वाला पार्ट भी कवर हो चुका है ईजिली, ठीक है। देखो कमेंट में लिखो वी वांट लिंक, मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगा, लेकिन मेक श्योर आप फॉलो कर लो। अब ये डीएम वाला आ रहा है तो बहुत ईजी है यार, आपको डीएम लिखना है और जो इसका इन वाला एनिमेशन होता है वो लगा देना है, तो कोई भी आपको ठीक लगे, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसको मैं कवर नहीं करने वाला इसमें। फिर यहाँ पे अगेन ये फॉलो वाला ऑप्शन है, फॉलो वाला ऑप्शन आपको गूगल से मिल जाएगा, आप वहाँ पे PNG टाइप करना, फॉलो PNG ये मिल जाएगा, ठीक है।
लगाने का तरीका अगेन एनिमेशन में जाओगे तो लग जाएगा, कोई भी आपको ठीक लगेगा, ज़्यादा एडवांस नहीं है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। बाकी ये वाला भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो यही था आज की इस वीडियो में, एक बार वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। अगर आप भी ऐसी वायरल 3D इमेजेस बनाना चाहते हो अपने लिए और अपनों के लिए, इस वीडियो को पूरी देख लो, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको देने वाला वो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट एंड वो लिंक जिससे आप भी ऐसी अमेजिंग वायरल इमेजेस बना सकते हो। एंड आपको अब किसी के सामने ग्रिड आने की जरूरत भी नहीं होगी, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप पहुंच जाओगे। अगर आपके पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उससे लॉगिन कर लो, नहीं तो न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो, एंड वो प्रॉम्प्ट जो मैं आपको दूंगा उसमें अगर पेस्ट कर लो, इसमें अपना नाम चेंज कर लो एंड अपने फॉलोअर्स का नंबर चेंज कर लो, एंड सिंपली कुछ टाइम के अंदर आपका भी वायरल 3D इमेज मॉडल तैयार हो जाएगा जिसे आप अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए भी बना सकते हो। कमेंट में लिखो वी वांट लिंक, मैं आपको डायरेक्टली DM कर दूंगा, लेकिन मेक श्योर आप फॉलो कर लो, नहीं तो हमारा बॉट समझ नहीं पाएगा किसे भेजना है या फिर किसे नहीं। बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और ये वाली एडिटिंग आपको कैसी लगी, ये वाला पार्ट आपको कैसे लगा, इसके लिए भी नीचे कमेंट करके बता देना। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आएगी तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज लेके आऊँगा बाय वन, एंड इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं काइन मास्टर को 2024 में। मेरा एम ही है कि 2024 में आपको मैं काइन मास्टर का एक्सपर्ट बना दूँ, अगर आप काइन मास्टर को यूज़ करना नहीं भी जानते हो तो। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।